जो भी छात्र एन एस पी स्कॉलरशिप के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं पचहत्तर हजार रूपए के लिए उन सभी को ऑनलाइन करने के बाद आप सभी को कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाना है साथ ही साथ जिस कॉलेज के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस कौ... का लिस्ट जो है वो यहां पे आपको वेरीफाई करवाना होगा एनएसपी में तभी आपका पैसा जो है पचहत्तर हजार रुपए आपके बैंक में आ पाएगा ठीक है तो बिल्कुल ध्यान से से देखेंगे कि किस तरह से आपको अपने कॉलेज को के साथ जो है है वो वेरीफाई करवा लेना है ताकि आपका पैसा बीच में अटक ना जाए क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ऐसा होता है कि पैसा नहीं आ पाता उन्हें बार बार रिन्यूअल करना पड़ता है तो वो पूरी प्रक्रिया जो है वो करते नहीं है ऑनलाइन करने के जस्ट बाद आपको जो है वो कॉलेज में फॉर्म जमा करना है और जमा

और पासवर्ड आएगा ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे छात्रों का लगातार पूछना था सर एनएसपी में ऑनलाइन तो शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं लेकिन कॉलेज वेरिफिकेशन कैसे करवाएं बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है और कैसे जो है कॉलेज से बनेगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि जहां अभी आपने एडमिशन ले रखा है यानी मान लीजिए आप 12th पास किए हैं ग्रेजुएशन में जहां एडमिशन लिए हैं या टेंथ पास करके आप ट्वेल्थ में जहां एडमिशन लिए हैं यानी जिस नए सेमेस्टर में नए स्कूल या नए कॉलेज में जहां आपका एडमिशन नए सेशन में हुआ है उस नए सेशन के कॉलेज स्कूल से ही आपको बोनाफाइड जो है वो बनवाना है और कॉलेज को स्कूल को अपने एन से वेरीफाई करवाना है जो कि आप कॉलेज में जाकर जब आप फॉर्म देंगे तो वो वहाँ पर कर देगा और उसके बाद जो है वो आपका पैसा जो है फाइनल सबमिट करने के बाद आपके बैंक में आ जाएगा ठीक है ऑनलाइन कैसे करना है किस वेब से करना है पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए पचहत्तर हजार रुपए की राशि के लिए और स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई सभी छात्र और छात्राएं यहाँ पे कर सकते हैं गर्ल्स बॉयज दोनों की राशि जो है वो यहाँ पे निर्गत की जाती है फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन दोनों वाले चाहे वो टेंथ पास हो ट्वेल्थ पास हो या स्नातक पास हो सभी इसके लिए अपनी अपनी कैटेगरी के, के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फाइनली यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएंगे पचहत्तर हज़ार रुपये की राशि के अंतर्गत यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है सभी जाति के स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आइए जानते हैं क्या है प्रक्रिया किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है पूरी जानकारी देख लें स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप करें और इसका फ़ायदा उठाएं और पचहत्तर की राशि जो है वो अपने नाम कर लें ये जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे आपको आवेदन करना है पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझ लीजिए पे पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि टेंथ वाले कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे ट्वेल्थ वाले कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे राशि की बात कर ली जाए तो टोटल पचहत्तर हज़ार की राशि जो है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे दी जाती है ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके यहाँ पे बिहार नोटिस डॉट इन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिल करूँगा उस तरीके से आप बिल्कुल आप फायदा उठाइएगा क्योंकि पचहत्तर हज़ार की स्कॉलरशिप है गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है यहाँ पे देखिएगा थ्री लाइन पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है जैसे ही थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको नीचे की ओर जाना होगा जहाँ पे आपको एन एस पी स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा इस एन एस पी स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एन एस पी स्कॉलरशिप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एन एस पी का पूरा पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा तो आप ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरी डिटेल्स यहाँ पे पर पढ़ लेंगे जो जो डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं तो पूरा डिटेल्स ज़रूर से पढ़ लीजिएगा मैं सीधे आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पर करना है तो यहाँ पे पर पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे तो पहले वीडियो को समझ लीजिए कैसे मैं यहाँ पर ऑनलाइन कर रहा हूँ नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा अब यहाँ पे ध्यान समझिए कितने चरणों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉग इन करना होगा सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पूरा प्रोसेस समझिएगा ठीक है उसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको लगातार शो करता रहेगा ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पे तो यहाँ पे आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा अब यहां से अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा ठीक है अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं तो गाइडलाइन मैंने पहले आपको समझा दिया है वही आपको यहाँ पे समझाया गया है तो आप यहाँ पे दो चेकबॉक्स बना हुआ है दोनों चेकबॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे मोबाइल नंबर पे आपको ओ जाएगा उस ओ को यहाँ पर आपको फिल करना है है ना मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस आधार कार्ड से आपका एक बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर लेना है फिर आपको के ई के करके आप लास्ट में फिनिश डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा फिनिश जो है वो यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद देखिएगा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे बैक आएंगे, तो यहाँ पे बोलेगा लॉग होने के लिए यानी जो आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बन गया एक बार आईडी पासवर्ड बनने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और पासवर्ड आपको मिल गया आपके मोबाइल नंबर पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालकर आप जो है वो यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा तो ये आपका ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शुरू जो है इस तरह से आप ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आके आपको क्लिक करना होगा यहाँ से आप पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन फाइनल सबमिट किया था तो यहाँ से आपको लॉगिन होकर ठीक है ध्यान देंगे यहाँ पे आपको बैंक जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है इंटर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन आई होगा वो आपको एप्लीकेशन आई जो आप फाइनल फॉर सबमिट कर दिए उसका और बर्ड वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड के रूप में उसे यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा और पचहत्तर हज़ार की राशि जो है वो आप अपने नाम कर लें तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाइए फटाफट तरीके से अपने मोबाइल से भी आप अपना मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं